तो यार गूगल ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले मैंने गूगल गुड़गांव वाला ऑफिस देखा और भाई साहब जो फील आई थी ना, लेकिन मेरा वर्क लोकेशन तो बैंगलोर है। अब बैंगलोर आने के बाद मैंने आपको बैंगलोर का ट्रैफिक, मौसम और हाउस हंटिंग के बारे में तो बताया, लेकिन मेन चीज तो अभी बाकी है। अब वैसे तो गूगल के बैंगलोर में 3 ऑफिसेज हैं, लेकिन जहां मैं काम करता हूं वो है RMZ इन्फिनिटी। जी भर के झीले पल लगता है आजकल। मेरे घर से मैं कुछ खा के तो निकला नहीं था, तो सबसे पहले ऑफिस में जाके मैंने किया बढ़िया सा नाश्ता। अब नाश्ते में मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस, चाय, कॉफी, मिल्क शेक, आइसक्रीम, लेकिन यार बैंगलोर में हर दूसरे दिन की तरह बारिश हो रही थी, तो मैंने अपने दिन की शुरुआत करी एक कड़क चाय से। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जाता हूँ अपने वर्क स्पेस की तरफ। अब यार हमारा वर्क स्पेस वैसे तो ओपन है, लेकिन अगर आपको किसी से बात करनी है, वन ऑन वन मीटिंग्स करनी है, तो यहाँ पर मीटिंग रूम्स भी हैं और आपके कॉलिंग बूथ भी हैं। में बहुत सारी टीम्स हैं और मैं काम करता हूँ गूगल सर्च में। अब यार यहाँ पर मैं अकेला तो काम करता नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे टीममेट्स भी हैं। तो बैंगलोर आने के बाद पहली बार मैं अपने टीममेट से मिला। अब यार मैंने ब्रेकफास्ट इतना हैवी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ी सी भूख लगती है बीच में और मैं चला जाता हूँ माइक्रो किचन की तरफ थोड़े से स्नैक्स खाने के लिए। टीममेट्स के साथ प्रोजेक्ट डिस्कशन करने के बाद हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और भाई साहब क्रिकेट पिच बना रखी है ऑफिस के बीच में। हम लोगों ने थोड़ी देर क्रिकेट खेला, फिर वहां पर टेबल टेनिस भी था, फूसबॉल भी था, बहुत सारे गेम्स थे। ये सारे गेम्स आपको रिफ्रेश करने के लिए यहां पर दिए जाते हैं, ताकि काम के बीच में आप लोग अपने आप को फ्रेश रख सकें। खेलते हमें बहुत जोर की भूख लगती है और हम चले जाते हैं लंच करने। अब सारी टीम एक साथ लंच करने के लिए जाती है और हमारा जो कैफेटेरिया है ना, वो किसी 5-स्टार से कम नहीं है और खाना भी एकदम लाजवाब। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ अलग मेन्यू होता है। लंच करने के बाद मेरा दोस्त मुझसे बोलता है कि फराज तेरे को ऑफिस टूर कराता हूँ। सबसे पहले हम लोग चले मीटिंग रूम्स की तरफ और मैंने सोचा कि यार वही नॉर्मल से रूम्स होंगे, लेकिन वहां जाके देखा तो इतने सुंदर रूम्स, मतलब लगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। फिर नीरज ने मुझसे पूछा कि फराज तेरे को इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, और इतना बोलते मैं समझ गया कि यार अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। म्यूजिक रूम से वापस आते हुए मेरी नजर पड़ती है बंकर्स पे। अब यार मुझे लगा कि मैंने सब कुछ देख लिया है, फिर नीरज मुझसे बोलता है कि बेटर थिंग्स आर कमिंग। अगर आपको मूवीज देखने का शौक है तो आपको ये वॉल बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो यहाँ पर एक क्यूट सी लाइब्रेरी भी है, और अगर आपको विंटेज चीजें देखना पसंद है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा विंटेज कलेक्शन है। यार जब मैं इस एरिया में एंटर करता हूँ मेरे को लगता है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, लेकिन फिर नीरज ने मेरे को बताया कि ये हमारा सेकंड किचन है। हालांकि मैंने अभी तक इसमें कभी खाना ट्राई नहीं किया है, बट जल्दी ही करेंगे, और यहाँ पर खाना कुछ अलग हटके मिलता है।
और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर हमारी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा जिम भी है विथ ट्रेनर्स। अब यार मैं भी जिम स्टार्ट करूँगा, लेकिन नेक्स्ट मंडे से। मैं सब कुछ पैक करके ऑफिस से निकल ही रहा था और मेरी नजर पड़ती है मसाज चेयर पे। अबे जितना सुंदर ये ऑफिस दिखने में है, उतने ही अच्छे यहाँ पर लोग हैं और उतना ही इंटरेस्टिंग मेरा काम भी है। मुझे अपने ऑफिस में काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर आपको भी मेरा ऑफिस पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।